जनपद फिरोजाबाद में कल रात अचानक एक गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद आग का रूप और उग्र हो गया, जिसके चलते गत्ता फैक्ट्री के आसपास बनी अन्य दो फैक्ट्रियों में भी आग पहुंच गई। आग लगने से लालू नई आबादी क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हर कोई अपने अपने घरों से बाहर आकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। वहाँ के बासिंदों ने बताया कि आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना के एक घंटे बाद आई। तब तक आग आसपास की फैक्ट्रियों तक अपने पैर पसार चुकी थी। आग की खबर मिलते ही सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव और एसडीएम मनोज कुमार मौके पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह का सही पता नहीं चल सका है। आपका? मेरा श्री हरिचरण मिश्रा जी है नाम मेरा, मैं पूजा गिलास वालों के। मिश्रा जी, हाँ जी, आग लगी हुई है एक घंटा लगी हुई है जे, वो जो गिलास में लगी हुई है अभी तक इसके मालिक नहीं आए हैं। और हमने फोन किया था, मैं नौकरी करता हूँ बल्लू बाबू जी के यहाँ पर, बल्लू बाबू जी ने फोन किया तब एक दो दमकल आई हुई है, फिर भी एक घंटा हो गया अभी तक आग कोई काबू में नहीं हुई है। और घनी बस्ती है, घर छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में आग पहुंचने वाली है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम 10 दमकल आने चाहिए, इतनी बड़ा हादसा होने वाला है। 4 फैक्ट्रियों में आग लग चुकी है, देखो 2 में तो लग चुकी है, इसके पास 2 और फैक्ट्री हैं पीछे, उनमें आग पहुँचने वाली है। लगभग कितनी देर हो गई? पूरा 1 घंटा हो गया, कोई अभी तक सुनवाई नहीं है। अभी 2 एक दमकल आई हुई है, अभी तक उसका पैप आग तक नहीं पहुंच पाया है। अब क्या करा जाए, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और घनी बस्ती है, और घर में आग लग जाएगी कौन जिम्मेदार होगा इसका? लालू नई आबादी रहनिया, कोई हादसा होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी तक फैक्ट्री मालिक नहीं आया होगा, ना उसने अभी फोन किया है। हमारे बल्लू बाबू हैं पूजा गिलास वाले, उनने फोन किया है, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ गेटमैन ही। ठीक है, थैंक यू।